आजकल हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है, वो है एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अब मेट्रो सिटीज़ में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो अब एयर पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस है जिसका अब यूसेज बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं, वो है एयर प्योरीफायर। अब एयर प्योरीफायर को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं, और लोग जब भी एयर प्योरीफायर खरीदने जाते हैं ना तो वो हमेशा इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज रहते हैं कि किस तरीके का एयर प्योरीफायर खरीदना चाहिए, कौन सा बेस्ट हो सकता है, और कौन किस तरीके का एयर प्योरीफायर उनके लिए अच्छा काम करेगा। तो एयर प्योरीफायर खरीदने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमेशा कंसिडर करने चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्योरीफायर में, तो ये ज़रूर मेक श्योर करें कि ये सारे फैक्टर्स उसमें अवेलेबल हों। नया एयर प्योरीफायर जब भी हम खरीदते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमेशा आपको मेक श्योर करने चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिल्टर। तो एयर प्योरीफायर का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है उसमें लगा हुआ फिल्टर, जो कि आपके एयर को प्योरीफाई करता है। अब अलग अलग तरीके के फिल्टर्स आते हैं, तो इनमें जो कॉमन तीन फिल्टर्स हैं जो होने ज़रूरी हैं आपके एयर प्योरीफायर में, उसमें सबसे पहला फिल्टर होता है हेपा फिल्टर। जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना आपके एयर में, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है। ऐसे में जो ये स्मॉग वाला सीज़न स्टार्ट होता है ना, जिसमें पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इस सीज़न में ये जो हेपा फिल्टर्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और एक कॉमन या अच्छे प्योरीफायर में आपको हमेशा मिलेंगे। तो मेक श्योर करें कि ये फ़िल्टर ज़रूर मौजूद हो आपके एयर प्योरीफायर में। उसके बाद जो सेकेंड है वो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स। ये उन जगहों पर ज़्यादा मदद करते हैं जहाँ पर ओडर और केमिकल्स का ज़्यादा यूसेज होता है, और ये आपके हवा में से जितने भी केमिकल पॉल्यूशन है उसको रिमूव करते हैं, बैड ओडर को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके साथ में जो तीसरा फिल्टर है वो है यूवी लाइट्स। तो यूवी लाइट्स जो होती है ना, वो बैक्टीरिया और वायरस को किल करती हैं। तो ये जो तीनों फिल्टर्स है ना, ये मेक श्योर करें कि आपके प्योरीफायर में मौजूद हों। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ना, ये बेसिक फिल्टर्स होते हैं जिनके लिए हम एक एयर प्योरीफायर बाय करते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर आ जाते हैं जो कि आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक अच्छा प्योरीफायर खरीदना चाहते हैं। जैसे कि CADR, इसका मतलब है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। अब इसका जो रेफरेंस है ना, वो सीधा होता है कि आपका जो प्योरीफायर है वो कितना एफिशिएंट है क्लीन एयर पंप आउट करने में, और ज़्यादा बेटर एयर यानी कि ज़्यादा जल्दी से जो आपके इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करता है। तो ऐसे में ये ज़रूर चेक करें कि CADR रेट कितना है आपके प्योरीफायर का। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है कवरेज एरिया। तो कवरेज एरिया से ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप किसी रूम के लिए प्योरीफायर खरीद रहे हैं, आप बड़े स्पेस के लिए खरीद रहे हैं, तो हमेशा मेक श्योर करें मेजरमेंट के हिसाब से एक प्योरीफायर खरीदें। वो जब भी आप खरीदने जाएंगे तो वो जो सेलर है वो आपको बता देगा कि छोटे रूम या बड़े स्पेस के हिसाब से आपको कौन सा प्योरीफायर खरीदना चाहिए। अगर आप नॉर्मली कोई सा भी प्योरीफायर कहीं भी लगा देते हैं तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमेशा प्योरीफायर खरीदने से पहले उसका जो मेजरमेंट है वो ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है है नॉइज लेवल। तो ये पर्टिकुलरली ये नाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयर प्योरीफायर एक ऐसी चीज़ है जिसका हम 24/7 यूज़ करते हैं। मेनली नाइट में भी अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी एक बार चेक कर लें कि वो बहुत ज़्यादा नॉइजी ना हो, क्योंकि हर एयर प्योरीफायर में फ़ैन्स लगे होते हैं। तो अगर ऐसे में उस फ़ैन की नॉइज़ ज़्यादा है तो इससे ना उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो सकती है और वो एयर को ठीक से प्योरीफाई नहीं करेगा। तो हमेशा नॉइज़ लेवल जो है ना वो चेक कर लें कि अगर आपको सोते टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील ना हो, तो उसके लिए हमेशा एक बेस्ट एयर प्योरीफायर को ही सिलेक्ट करें। तो जो आपको बहुत कम से कम नॉइज़ जो है वो डिलीवर करे, तो उसके लिए ना उसमें फ़ैन सेटिंग्स आती हैं। तो कम से कम 20 से 30 डेसिबल सेटिंग वाला ही लोएस्ट फ़ैन जिसे माना जाता है, वो वाला एयर प्योरीफायर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके साथ जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो है एनर्जी सेविंग। तो ऐसे में अगर आप प्योरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो पूरे दिन अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। तो आजकल जो एयर प्योरीफायर्स आ रहे हैं ना मार्केट में, वो मेनली इसी को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना करें और एनर्जी सेविंग हो। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे में उसको मेंटेन रखने के लिए आप हमेशा पावर एफिशिएंट वाले ही प्योरीफायर्स जो हैं उनको बाय करें। तो एक और बहुत जो ज़रूरी पॉइंट है वो है फ़िल्टर रिप्लेसमेंट। जब भी हम प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत टाइम के बाद देखेंगे कि प्योरीफायर का जो फ़िल्टर है वो ख़राब होने लगता है या डैमेज होने लगता है। तो मेन जो फ़िल्टर है वही काम करता है आपकी
जो हवा है उसको क्लीन करने के लिए। ऐसे में फिल्टर ख़राब हो गया तो वो एक यूजलेस डिवाइस बन जाएगा और आपके एयर को प्योरीफाई नहीं करेगा। तो हमेशा जो अपने फिल्टर है उसको रिप्लेस करते रहें टाइम टू टाइम, और ऐसा ही प्योरीफायर खरीदें जिसमें आप अपने फिल्टर को रिप्लेस कर पाए। ऐसे में अगर आप एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपको ये भी चाहिए होगा कि वो लॉन्ग शेल्फ तक रहे और आपके काम आए। तो ऐसे में हमेशा जब भी आप कोई अच्छा प्योरीफायर खरीदते हैं तो मेक श्योर करें कि उसमें आपको एक फिल्टर रिप्लेसमेंट फैसिलिटी भी ज़रूर मिले। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि जब भी आपको एयर प्योरीफायर खरीदना है तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, तभी वो आपके एक सक्सेसफुल डिवाइस की तरह काम करेगा, साथ में आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करके रहेगा। और जैसे भी हम किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो अगर यूज़फुल डिवाइस नहीं होती है तो एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ना इन सारे पॉइंट्स को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अपने आसपास के लोग, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इन सबको अवेयर करने के लिए ना ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।